और ये पाठ दूसरा हुआ है, एक फोन आ गया था उसके वजह से कट गया है, तो ये पार्ट टू बना रहे हैं। तो किसी कारण से हमारा पार्ट वन कट गया था, तो उसके बाद हम पार्ट टू बना रहे हैं, जिसमें कि सभी लोगों पे जांच बैठाया जाए, खास करके माननीय श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं कि जितने भाजपाई लोग हैं उन सभी पे कार्रवाई किया जाए, क्योंकि सभी के पास आय से अधिक संपत्ति है, जिनका इनकम महीना का 10,000 है उनके यहाँ अभी आज के रेट में अगर रेड किया जाए तो 200 गुना नहीं 2000 गुना संपत्ति बढ़ा हुआ है। और ये MLA या विधायक की बात नहीं है, जो BJP का कार्यकर्ता रहे हैं ना, ये उनका भी बात है। हम फिर से आग्रह करते हैं चाचा श्री नीतीश कुमार जी से और बड़े भैया डिप्टी CM श्री तेजस्वी यादव जी से कि इन लोग पर पुनः से कार्रवाई किया जाए, क्योंकि इन लोग के पास अवैध संपत्ति इतना ज़्यादा है कि उसका कोनो गारंटी नहीं है। और ये लोग बार बार हमारे RJD ही विधायक के टारगेट करने का काम किया कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल निस्वार्थ है। हम लोग तो 17 साल से सरकार में भी नहीं थे, फिर भी हम ही लोग पर ED CBI का जांच चलता है। बताइए ये क्या न्याय है? अगर आप लोग ये वीडियो को देख रहे हैं तो इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि हमारे बिहार सरकार तक और हमारे बड़े भाई तेज प्रताप और तेजस्वी जी के पास ये वीडियो ज़रूर पहुँचे, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ तेज प्रताप जी का ही शिष्य हैं, अदरवाइज किसी का नहीं। निसंकोच होकर के BJP के एक एक MLA, एक एक विधायक, एक एक सांसद, एक एक कार्यकर्ता पे जांच बैठाने का कार्य किया जाए। और देखिए सभी लोग दंडित पाए जाएंगे। ये आपका छोटा भाई का गारंटी है। विशेष आप जनता लोग हैं, जितना शेयर करिएगा ये वीडियो उतना ही वायरल होगा। विशेष क्या बोलूं, सभी लोग अपने हैं। बस इस वीडियो के लिए इतना ही धन्यवाद। वीडियो को हो सके जितना से जितना शेयर करें।